हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस वाला रनिंग में। आज हम आपको बताएंगे कि मैथ कंप्लीट कैसे करें। अगर आप मैथ स्टार्ट करना चाहते हो एसएससी का, किसी भी एक सीएचएसएल, सीजीएल या एमटीएस या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम के लिए मैथ कंप्लीट करना चाहते हो, तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी बताएंगे हम आपको। सबसे पहले आप किसी का बैच परचेस करें मैथ का बैच परचेस करने के बाद जो उसके क्लास नोट्स मिलते हैं उसे रिवीजन करने का एक बेस्ट तरीका बताएंगे। पहले तो उसके फेयर बनाने चाहिए आपको एक नोट्स, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रकार। जैसे देखो, ये मेरी क्लास नोट्स हैं, मैं इन क्वेश्चनों को पीडीएफ निकलवा लेता हूँ और उसके बाद मैं इनका रिवीजन करता हूँ बेहतरीन तरीके से। जैसे देखो, इसमें मैं खोलता हूँ, जैसे इसमें ये मैंने खोला चैप्टर, ये टाइम एंड वर्क, ये टाइम एंड वर्क खोला तो इसके मेरे ये क्लास नोट्स, ये मैंने खुद बनाया। देखो, सब्जेक्ट मैथ क्लास नोट्स, सर हैं मैथ भाई आदित्य रंजन सर, से मैं पढ़ा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी क्लास इनकी। जैसे देखो, जैसे ये टाइम एंड वर्क है तो मैंने ऊपर ये इसमें रिटायरमेंट वर्क का ये पहला पहला चैप्टर स्टार्ट, सर ने यही कराया था बैच में। इसके देखो नोट्स देखो, पहले सर ने थोड़ा ये समझाया था, समय में ये आता है डे हावर और ईयर, और वर्क को प्लस भी लेते हैं नेगेटिव भी अगर, और एफिशिएंसी समझाई थी सर ने, और एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, और इसमें मेथड बताई थी सर, बेसिक से बेसिक चीज़ बताती है इसमें। अगर आप स्टार्टिंग से मेथ करना चाहते हो तो यहाँ से स्टार्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो काफ़ी। जैसे ए बी रूल पर एक सर ने ये भी एक ट्रिक दी थी, देखो ए बी रूल पे जो क्वेश्चन को इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे जैसे ए 12 दिन में करता है किसी काम को, बी 18 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो मतलब उनकी एफिशिएंसी से भाग दे देंगे टोटल वर्क में, तो आंसर ये आ गया। और ऐसे ही अगर दो रेशियो का ये क्वेश्चन हो तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे देखो, ये इसमें किया है, ये 12 दिन में कर सकता है, और यहाँ पे भी 12 इंटू 8 ए बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा अपन में, इसका भी आंसर 36/5 आया, उधर भी 36/5 आया था। देखो, सारे सिस्टमेटिक क्वेश्चन लगे हैं इस तरीके से आपको क्वेश्चनों का, इसमें क्वेश्चन नहीं लिखना, क्वेश्चन उसी में लिखा मिलेगा आपको। नोट्स की टू कॉपी करा लो और रिवीजन करने में काफ़ी फ़ायदा रहेगा। देखो, जैसे देखो इसके ये बनाया है, जैसे ये देखो, ये वर्क एंड वेज के नोट्स हैं, ये देखो वर्क एंड वेज के नोट्स हैं। कोई भी चैप्टर तुम्हारा जो कंप्लीट हो जाए उसका आप कहीं पे भी रिवीजन करो, ये वैसे पी वाई क्यू लगाओ सबसे बेस्ट रहता है। अगर टेस्ट वोक पर भी लगोगे करोगे तो चैप्टर को पूरे करने के बाद उसका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये 100% गारंटी है। आज तरह सर बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं। जैसे देखो, जैसे कि पाइप एंड सर्टेन आ गए यहाँ पे, ये रेशियो के नोट्स हैं, देखो ये आप नोट्स निकलवा लें और इसी से रिवीजन करें तो काफ़ी मदद मिलेगी। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ हमारा साथ देते रहें। धन्यवाद।